आज प्रारंभिक दीक्षा के रूप में आपको मंत्र देने जा रहे हैं जो साधक साधिकाएं नए हो, जिनको मन में ये बात रहती है कि भाई हमारा कोई गुरु नहीं है तो हम कोई साधना करना चाहते हैं तो अनुमति कैसे लें, क्या करें, तो आपको अनुमति देने के लिए ही ये मंत्र दिए जा रहे हैं। इसके लिए आप लोगों को संकल्प लेना होगा, कलश अपने हाथ में आप ले लीजिए, जो भी मंत्र लेना चाहते हैं अपने दाहिने हाथ में कलश ले लीजिए और अक्षत ले लीजिए, जी दाहिने हाथ में ले लीजिए, आप कलश ले लीजिए और अक्षत भी ले लीजिए, इस तरह से पकड़ना होगा आपको, इस तरह से नहीं पकड़ना, इस तरह से, ये पहले अक्षत रख लीजिए उसके ऊपर कलश ले लीजिए। इसके बाद आप संकल्प लेंगे, आप अपना नाम लेंगे कि मैं, अपना पूरा नाम लीजिए, पिता, पिता का नाम लीजिए, भारत खंडे, भारत देश का नाम लेना है आपको। इसके बाद अपना राज्य का नाम ले लीजिए, आपको हिंदी में बोलते हैं जैसे कि आपको समझ में आ जाए, जैसे कि हमने पहले वाले वीडियो में हिंदी में नहीं बोला था, इस बार हिंदी में बोल रहे हैं, तो आपको अपने राज्य का नाम लेना है कि मैं राज्य, फिर शहर का नाम लेना है या गाँव का नाम लेना है कि इस शहर, इस ग्राम का निवासी आज अपने कुल देवी कुल देवता, अपने ईष्ट देवता, अपने घर के सभी देवी देवताओं को, कुल देवी कुल देवता को, सभी देवी देवताओं को साक्षी मानकर मंत्र ग्रहण कर रहा हूं। अब यहां से हम मंत्र बोलेंगे, आपको अपने बाएं कान को बंद करना है दाहिने हाथ से, इस तरीके से, इस तरह से बंद करना है और दाहिने कान से आपको मंत्र सुनना है, इस तरह से बंद करके आपको इस तरह से सुनना है और उसके बाद कहना है ग्रहण किया, और अपना जल जो आपका कलश है उसमें से थोड़ा सा जल नीचे गिरा देना है, या अक्षत है तो अक्षत आपको नीचे थाली में छोड़ देना है। जो मंत्र हम बोलेंगे एक एक करके, मंत्र ज्यादा नहीं बोलेंगे, जो प्रमुख मंत्र वही करेंगे। सबसे पहले हम भगवान शिव का ओम नमः शिवाय मंत्र देने जा रहे हैं। जो लोग ओम नमः शिवाय मंत्र को ग्रहण करना चाहते हैं वो दाहिने हाथ से अपना बंद कर दीजिए कान, बायां कान बंद कर दीजिए, अक्षत और कलश जो आपके हैं संकल्प आपने ले लिया उनको रख दीजिए और दाहिने हाथ से ही बंद कीजिए, इस तरीके से बंद कर लीजिए आप अपने कान को और इस तरह से सुनिए आप जब यहाँ से हम कहेंगे, ठीक है। संकल्प हो गया है तो कलश को रख दीजिए, अक्षत को रख दीजिए, जब आप कहेंगे कि ग्रहण किया उसके बाद उस कलश में से थोड़ा सा जल नीचे गिरा देना, अक्षत अगर आपने जहाँ पे भी रखे उनमें से उठा के उनको नीचे छोड़ देना, इस तरह से आपको करना होगा। ये प्रारंभिक अनुमति की दीक्षा है, ये प्रमुख दीक्षा नहीं है। प्रमुख दीक्षा जो होती है वो सामने से होती है और उसका एक विशेष स्थान होता है, वहाँ पे ले जाया जाता है और वहाँ पर जाकर ही वो दीक्षा दी जाती है, प्रमुख दीक्षा जो होती है। तो ये प्रारंभिक दीक्षा है सिर्फ आपको ये अनुमति प्रदान करने के लिए कि आप जाप कर सकते हैं। तो अब ओम नमः शिवाय मंत्र को जो लेना चाहते हैं अपना कान बंद करें और दाहिने कान से सुने। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अब आप कहेंगे कि ग्रहण किया। अब अगला मंत्र जो आपको दे रहे हैं वो मंत्र रहेगा माँ दुर्गा का, ओम दुम दुर्गाय नमः मंत्र अब आपको देने जा रहे हैं। अब इसे आप ग्रहण करें, जो भी लेना चाहते हो बायां कान बंद करो, दाहिने कान से सुने। ओम दुम दुर्गाय नमः, ओम दुम दुर्गाय नमः, ओम दुम दुर्गाय नमः। ग्रहण किया बोलना है आपको। तीसरा मंत्र आपको दे रहे हैं नवाल मंत्र, ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडा विच्चे, ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडा विच्चे, ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडा विच्चे। आपको कहना है कि ग्रहण किया, हो सकता है आपको वाइब्रेशन आया, हो सकता है कि आपको ऊपर से नीचे तक बहुत से अनुभव आए, लेकिन आपको सिर्फ इतना कहना है कि ग्रहण किया और जल नीचे छोड़ देना है। ये तीन मंत्र अभी आपको दिए हैं। अगला मंत्र भगवान विष्णु से संबंधित है, भगवान श्री कृष्ण से संबंधित है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप कहेंगे ग्रहण किया,
आप सभी जो इस मंत्र को लेना चाहते हैं वो कहेंगे ग्रहण किया। अगला मंत्र रहेगा माँ सरस्वती का, जो कि विद्यार्थी वर्ग के जितने भी साधक साधिकाएं हैं वो लोग इसे ग्रहण कर सकते हैं। ये आजीवन मंत्र नहीं है, ये सिर्फ जाप करने की अनुमति है, साधना की अनुमति है आपके लिए। ओम एम सरस्वते नमः, ओम एम सरस्वते नमः, ओम एम सरस्वते नमः। आपको कहना है ग्रहण किया। अब अगला मंत्र भी माँ सरस्वती का ही है, बीज मंत्र से संबंधित है, तो इसको आप ग्रहण करेंगे। ओम एम नमः, ओम एम नमः, ओम एम नमः। आपको कहना है ग्रहण किया। ये आपने दाहिने कान से सुना होगा, बाहिने कान पर आपका हाथ होगा, जब आप हाथ हटा लेते हैं कहना है ग्रहण किया और जल आपको छोड़ना है। तो ये आपको अनुमति प्रदान की है इन मंत्रों की, जिससे कि आप इनका जाप कर सकते हैं। अगला मंत्र रहेगा हनुमान जी का, ओम हन हनुमते नमः, ओम हन हनुमते नमः, ओम हन हनुमते नमः। आपको कहना है ग्रहण किया। ये प्रारंभिक दीक्षा है, इसमें आपको बता दें कि उग्र शक्तियों के मंत्र नहीं यहाँ पे आपको दिए जाएंगे, उग्र शक्तियों के मंत्र ऐसे नहीं देंगे आपको। ये सिर्फ साधारण तौर पे जो कोई भी व्यक्ति कर सकता है वो मंत्र आप लोगों को दे दिए हैं। इसके अलावा माता काली का नहीं दिया है, बगलामुखी का नहीं दिया है, और जो बीज मंत्र होते हैं प्रमुख सिर्फ बीज मंत्र के जाप करने के लिए भी दिए जाते हैं, वो भी नहीं दिया है, क्योंकि उसके लिए भेंट होना यानी कि सामने से एक बार मिलना जरूरी होता है, उसके बाद ही वो मंत्र दिए जाते हैं। क्योंकि उग्र मंत्र होते हैं और अगर वो आप गुरु मंत्र के रूप में लेते हैं तो वो बहुत बड़ी बात होती है, इसीलिए फिर उसका अनुष्ठान उस विधि अनुसार करना चाहिए, इसलिए वो मंत्र नहीं दे रहे हैं। तो आज आपको ये जो मंत्र दिए हैं, आपको अधिकार दिया गया है हमारे द्वारा इन मंत्रों की साधना करने का, इन मंत्रों को जप करने का ये अधिकार आपको दिया गया है कि इनकी आप प्रारंभिक रूप से दीक्षा मानकर आप साधना कर सकते हैं। इसके बाद भविष्य में कभी भी आप प्रमुख रूप से अगर गुरु बनाना चाहते हैं तो आप किसी को भी बना सकते हैं, अपने राज्य के किसी भी व्यक्ति को आप बना सकते हैं, अपने शहर के किसी व्यक्ति को बना सकते हैं, अपने तहसील के किसी व्यक्ति को बना सकते हैं। कोई भी जान पहचान के ऐसे व्यक्ति हों जो गुरु बनने लायक हों, आप उनको भविष्य में भी गुरु बना सकते हैं। ये सिर्फ दीक्षा आपको इन मंत्रों के दी गई है, प्रमुख रूप से गुरु बनाने के लिए आप स्वतंत्र हैं, आप कभी भी भविष्य में किसी अन्य व्यक्ति को भी बना सकते हैं। या फिर अगर आप जैसे हमसे अगर कोई लेना चाहता है तो हम प्रत्यक्ष रूप से सामने से दीक्षा देते हैं, और वो जो दीक्षा होती है वो जल में खड़े करके दी जाती है, आपको विशेष नदी पे ले जाया जाता है, वहां पे आपको स्नान कराने के बाद जल में खड़े होकर ही आपको मंत्र दिया जाता है। वो मंत्र हमारे यहाँ पे ऐसा होता है कि जल में खड़े करके ही गुरु मंत्र दिया जाता है, वो मंत्र फिर जीवन भर के, वो मंत्र जो होता है जो जल में खड़े करके दिया जाता है फिर वो पूरे जीवन के लिए होता है, फिर आपके हम प्रमुख गुरु कहलाएंगे, फिर जीवन भर के लिए आपके हम प्रमुख गुरु कहलाएंगे। तो आज ज्यादा समय इस समय नहीं देंगे, शाम को लाइव आएंगे तब आपको ज्यादा समय दे पाएंगे, अभी नहीं दे पाएंगे। अभी तक के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण।